हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके लिए हम सीजी व्यापम की तैयारी हम करवा रहे हैं और सीजी व्यापम का जो मैथ्स के जो जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न हैं उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये सीजी व्यापम की होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, सीजी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, इसके अलावा आगामी कोई भी परीक्षा सीजी व्यापम द्वारा ली जाएगी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो हम विषय देखने वाले हैं वह है रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन या आवर्ती दशमलव को कैसे भिन्न में बदलना है। यह जो टॉपिक है इसके जो प्रश्न है अगर आप देखें तो सीजी टेट में बार बार पूछे गए हैं या शिक्षक भर्ती के प्रश्न में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन जितने पेपर है उसे उठाकर देखते हैं तो वहां पर भी आपको भिन्न आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यान से बिल्कुल समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको उस कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद उसका ट्रिक भी आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप कैसे उसे आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको प्रश्न दिया रहेगा कि 0.222 ये रिपीट में दिया गया रहेगा को भिन्न में बदलिए। पहला एक प्रश्न हम ले रहे हैं, भिन्न में बदलिए, क्लियर है? एक प्रश्न आपके पास दिया रहेगा जिसमें आपको दिया रहेगा रिकरिंग नंबर यानी कि आवर्ती एक संख्या है 0.222। ये क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, इसे आपको फ्रैक्शन में या कहना चाहिए कि आपको P by Q में कन्वर्ट करना है, बदलना है, ठीक है? पहले हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद सभी का मैं एक बार में आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप डायरेक्ट आंसर टिक लगा सकते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि x बराबर 0.222 मल्टीपल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा इसे हम लोग दूसरे टाइप में भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.2 बार। बार का मतलब यह है कि ये जो अंक है, ये जो डिजिट है, ये बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, क्लियर? इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक। अब मान लेते हैं पहला ये एक समीकरण हो गया जिसको हमने x माना। अगला काम हमें करना है बोथ साइड या दोनों तरफ, बोथ साइड या दोनों तरफ टेन का मल्टीप्लाई करने पर या बोथ साइड 10 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 10 का गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, 10x बराबर 12 जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा पॉइंट से, और बचा हुआ जो बार है या जितने बार 2 रिपीट्स हुए हैं उसके ऊपर बार लगाकर हम फिर लिख देंगे, क्लियर है? देखिए 10 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 2 को हमने क्या कर दिया, इधर लिख दिया, और बाकी जो रिपीटेशन नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के राइट हैंड साइड में रहेंगे। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अगला काम हमें करना है इक्वेशन नंबर 2 को, 2 को 1 में माइनस करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 में माइनस करेंगे तो 10x माइनस हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस हमें मिलेगा x बराबर 2.2 बार माइनस 0.2 बार। अब यहां पर देखिए 0.2 बार 0.2 बार क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे और आपको मिलेगा सिंपल एक अंक 2, और 10x माइनस x कितना मिल जाएगा आपको 9x, और 9x बराबर हो जाएगा यहां पर x की वैल्यू आपके पास 2/9, क्लियर है यहां तक चीजें? तो x का मान हमें मिल गया 2/9 और 0.22 बार का कन्वर्जन हो गया हमारे पास 2/9, क्लियर है क्या? यहां पे हमारा टारगेट ये होता है कि पॉइंट के बाद जो ये रिपीट नंबर हो रहे हैं या जो बार है उसे आप कैसे कैंसल आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर 10 का मल्टीप्लाई किया और एक बार अंक इधर लेकर आ गए, और पॉइंट के बाद जो दो बार हुआ उसे हमने क्या कर लिया, 2-1 करके कैंसल आउट कर लिया, जिससे पॉइंट के बाद आने वाला जो बार है कैंसल हो जाता है, उसके बाद केवल आपके पास 2 यहां पर बचता है और x का मान यहां पर मिल जाता है आपको क्या, 2/9। ऐसा ही एक और प्रश्न बिल्कुल सीजी टेट में आया हुआ ही प्रश्न है, उसे ही हम लोग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 0.23 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हमें बदलना है P by Q या इसे भिन्न में बदलना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कीजिए।
ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया। देखिए भिन्न आधारित प्रश्न, एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, बिल्कुल ध्यान में समझते जाइए। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपना बेहतर प्रयास कर सकते हैं उसमें, ठीक। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए 2323 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया 0.23 और 23 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। क्लियर है क्या यहां तक चीजें, ठीक। चलिए तो 0.23 के ऊपर बार लग गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें। अगला काम हमको करना है कि अब देखिए 2, 3 के ऊपर बार लगा है, दो अंकों के ऊपर बार लगा है, इसलिए अब इस बार हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड या दोनों तरफ 100 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर। तो दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 100x हो गया, और यहां पर 100 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 23 पॉइंट, आपके जो रिपीट हो रहे नंबर उसे फिर लिख दीजिए तो 23 बार आ जाएगा। क्लियर है, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, हम 2 देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट काम हमको, जैसे मैंने बताया कि अगर ये बार वाले पॉइंट के बाद अगर बार वाले नंबर आपको सेम दिख रहे हैं तो उसे आपको कैंसल आउट करना है। तो कैंसल आउट कैसे होगा, जब सेकंड नंबर इक्वेशन को फर्स्ट में आप माइनस करेंगे तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर तो क्या मिलता है देख लेते हैं। चलिए तो 100x माइनस x बराबर 23.23 बार माइनस 0.23 बार। अब बताइए 0.23 बार कैंसल आउट हो जाएगा तो केवल आपके पास क्या बचेगा, 23 बचेगा, और यहां 100x माइनस x क्या होगा, तो बोलेंगे सर 99x हो जाएगा, और x का एक फाइनल वैल्यू, फाइनल मान आपको मिल जाएगा 23, ये यहां पर ट्रांसफर होगा और आंसर हमें मिल जाएगा 23 बार, 23/99। तो x का मान आपको मिल गया 23/99। क्लियर हुआ, ये बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसका ट्रिक या शॉर्टकट कैसे बना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड, जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए जीरो पॉइंट फोर फाइव और 5 के ऊपर बार को P/Q में कन्वर्ट कीजिए, P/Q में बदलिए, P/Q में बदलिए, एक प्रश्न ऐसा आपको पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इस 4 के ऊपर बार नहीं लगा, इस 5 के ऊपर बार लगा, यानी 5 क्या है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, बार बार वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर 5 के ऊपर बार लगा है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं x बराबर हमारे पास 0.45 बार दिया गया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होने वाला है, बिल्कुल ध्यान समझिए। पहला काम हम करेंगे कि भाई ये जो बार है, ये बार जो है पॉइंट के बाद आ जाए, पॉइंट के बाद आ जाए, अगर पॉइंट के बाद लाना है तो इस 4 को हमको लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा। इसके लिए सबसे पहला काम आप करेंगे कि दोनों तरफ आप कर दीजिए 10 का गुणा, दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण एक में दोनों तरफ 10 का आप गुणा कर दीजिए। 10 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो बोलेंगे सर इधर 10x मिल जाएगा और इधर मिलेगा हमें 4.5 बार मिल जाएगा। क्लियर है क्या, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब बहुत सारे छात्र जो हैं, एक पहली गलती जो करते हैं, कॉमन गलती, वो क्या करते हैं, 2-1 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, यदि अगर आप 2-1 अगर करेंगे तो क्या ये 0.5 बार कैंसिल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। और मैंने आपको बार बार बताया कि पॉइंट के बाद जो बार है वो आपको सेम टू सेम ऐसा ही मिलना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इसे कैंसल आउट कर पाएंगे। तो देखिए अगला एक और स्टेप आपको करना होगा, तो आप क्या करेंगे उस चीज को करने के लिए, इक्वेशन नंबर वन में आप क्या कीजिए, दोनों तरफ इस बार आपको करना पड़ेगा
सौ का गुणा। अब सौ का गुणा क्यों हो रहा है वो आपको करने के बाद ही समझ में आ जाएगा। सौ का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब सौ का यहां पर गुणा हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सौ एक्स मिल जाएगा। बराबर में ये फोर और फाइव जो है दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, तो फोर फाइव पॉइंट, अब क्या बचेगा केवल फाइव बार बचेगा, फोर फाइव दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, केवल फाइव बार राइट हैंड साइड में पॉइंट के बचेगा। और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देंगे, तीन। अब बताइए किसको किस में माइनस करने से 0.45 बार पूरा 0.5 बार पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर मुझे इक्वेशन 2 में दिख रहा है 0.5 बार, इक्वेशन नंबर 3 में दिख रहा है, तो मैं 3 माइनस 2 करूंगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। इक्वेशन 3 में 2 को यदि घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक, इक्वेशन 2 में 3 में 2 को घटाते हैं तो 100x माइनस हमारे पास कितना है 10x, बराबर हमारे पास कितना आ गया 45.5 बार माइनस, अब देखिए यहां पर क्या है 4.5 बार। अब बताइए 0.5 बार 0.5 बार कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। अगर इक्वेशन नंबर 1 को लेते तो उसमें 4 और 5 बार है, इसे आप कैंसिल नहीं कर पाते, बट यहां पर 0.5 बार आसानी से कैंसिल हो जा रहा है, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो हम क्या किए यहां पर 45 माइनस 5 बार किए तो 5 बार कैंसिल, और 45 माइनस 4 करने पर हमें क्या मिलेगा 41 मिल जाएगा। 5 बार कैंसिल, 45 माइनस 4 41, और यहां कितना मिलेगा देखिए 100x माइनस 10x आपको मिल जाएगा यहां पर 90x, और आंसर आप बोलेंगे सर आंसर आया हमारा 40/90। क्लियर है, तो x का मान मिला आपको 41/90। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं बता दूं कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम समझ रहे हैं, इसके बाद मैं इसका एकदम आसान तरीका भी बता दूंगा जिससे आप बिल्कुल ऑप्शन देखकर ही टिक लगा देंगे, बट उसके पहले थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट धैर्य रखकर आप समझ लीजिए, आपके लिए आगे भी काम आएगा, और हमेशा कभी भी अगर बाय चांस अगर ट्रिक भूल गए तो आप ये बेसिक तरीका अपनाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा और उसके बाद इसके बिल्कुल ट्रिक पर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अगर आपको दे दिया गया 0.235 बार, 35 के ऊपर बार है, 0.235 बार को आप बदल दीजिए भिन्न में या p/q में बदलिए, यह आपके लिए प्रश्न है। क्लियर है, फिर आप देखिए यहां पर टारगेट हमारे पास क्या है 0.35 बार होगा तभी आप सेट कर पाएंगे। देखिए चलिए मान लेते हैं एक्स बराबर हमारे पास क्या है 0.235 बार है, इक्वेशन नंबर समीकरण 1। अब आप बताइए यहां पर 0.235 बार है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए 0.35 बार चाहिए, तो ये दो जो है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाने का प्रयास करेंगे। दो क्योंकि सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो आप बोलेंगे सर हम करते हैं दोनों तरफ 10 का गुणा, और दोनों तरफ अगर आप 10 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, तो आप बोलेंगे सर यहां पर 10x मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा 2.35 बार। चलिए अच्छी बात है आपने 0.35 बार सेट कर लिया, बट यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 0.235 बार है, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करेंगे तो कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो अगला काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन में इस बार आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा नहीं भाई, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। 1000 गुणा करेंगे तभी ये 235 पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट के आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है, तो यहां पर हमने 1000 का गुणा किया, ये हुआ 1000x, बराबर हमारे पास कितना मिल गया देखिए यहां पर, तो आप बोलेंगे सर यहां पर हो जाएगा ये 235 हो जाएगा, पॉइंट हमारे पास बचेगा केवल 35 बार बचेगा, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से आप देखिए यहां पर 0.35 बार इक्वेशन नंबर 2 और 3 में दिख रहा है, तो अगला काम मैंने बताया था कि जब भी 0.35 बार इस प्रकार के नंबर दिख गए मतलब आप माइनस कर लीजिए कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को यदि 2 में अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा 1000x माइनस 10x बराबर यहां पर हो गया हमारे पास 235.35 बार माइनस 2.35।
क्लियर है। अब ये 0.35 बार कैंसल आउट हो जाएगा और 235 माइनस 2 करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। और इधर 1000 माइनस एक्स करने पर हमें मिलेगा, ठीक है, इसे माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 990 एक्स बराबर, यहां पर आपको मिल जाएगा 235 माइनस 2, कितना मिल जाएगा 233। क्लियर है, 0.35 बार 35 बार कैंसल हो चुका है, ठीक है। तो एक्स का मान आप बोलेंगे सर, तो यहां पर एक्स का मान हो जाएगा आपके पास 233 अपॉन 990। क्लियर है यहां तक चीजें, तो एक्स का मान आपको मिल गया और आंसर भी हो गया क्या आपके पास, 233 अपॉन 990। डन। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि डेसिमल जो नंबर्स थे उसको हमने कैसे फ्रैक्शन में बदला। अब आपको मैं इसका एकदम बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं जिसको आप नंबर देखते ही आंसर बता सकते हैं और इतनी सारी चीजें अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन फिक्स है आपके सीजी टेट में, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछा जा चुका है और अन्य डिफरेंट जितने भी व्यापम की परीक्षा है वहां पर भी ऐसा प्रश्न हमको देखने मिला है। चलिए अब देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्ट कैसे आंसर देंगे। चलिए तो आपके पास प्रश्न रहेगा 0.2 बार को बदलिए, आपको कहेगा कि 0.23 बार को बदलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, आपके पास प्रश्न रहेगा कि 0.45 को बदलिए, आपके पास प्रश्न रहेगा ठीक 0.4232 बार को बदलिए, ठीक है, ये सब आपके पास प्रश्न रहेंगे। क्लियर है, ये सब आपके पास प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है उसे देखिए, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, ठीक, इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा तब आपको करना क्या है, ठीक, एक लाइन में ध्यान से बोल रहा हूं उसे ध्यान समझिए। जितने बार जितने नंबर्स के ऊपर अंकों के ऊपर बार लगा हो उतने बार 9 आएगा, जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा उतने बार 9 आएगा और जितने के ऊपर बार नहीं लगा होगा उतना 0 आएगा, जितने के ऊपर बार नहीं लगा होगा उतने 0 आएगा। क्लियर, तो देखिए यहां पर एक अंक के ऊपर बार लगा है, ठीक है, तो इसी अंक को आप एज इट इज लिख दीजिए और अगला जो इसका ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया एक अंक के ऊपर बार तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 ना हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। क्लियर है। अगला यहां पर अगर हम बात करें दो अंकों के ऊपर, दो डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे यहां पर डिनोमिनेटर में या हर में क्या आएगा 99 और ऊपर इसी संख्या को एज इट इज आप क्या कर दीजिए लिख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 23/99। अगला बताइए 4/5/5, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। अगला अगर हम अंक लें 4/5/2, ठीक है, 4/5/2 बार को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तब आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, तब आंसर हो जाएगा 4/5/2 को आप एज इट इज लिख लीजिए, इसके बाद हर में जो आएगा 4/5/2 में आप देखिए 1, 2, 3 अंक है, 3 अंक और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है और तीनों के ऊपर बार लगने के लिए मैंने आपको बताया जितना बार उतना क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 3 बार आप 9 लिख देंगे वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक। फिर देखिए 4/2/3/2, ठीक है, 4/2/3/2 इसी को आप जैसा का जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा क्या कर दिए लिख लीजिए और इसके बाद बताइए क्या होगा, हर में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 अंकों के ऊपर बार है इसलिए क्या आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। क्लियर है क्या, जितने बार जितने अंकों के ऊपर बार उतना बार 9, जितने अंकों के ऊपर बार उतना बार 9, अगर यहां पर बार किसी अंक के ऊपर नहीं लगा हुआ तब 0 आएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर बिल्कुल आपका इजीली निकल जाता है। अब अगले टाइप का पैटर्न देखते हैं जिसको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, अगले पैटर्न को आप ध्यान समझिए। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, देखिए इसी में थोड़ा सा बदलाव होगा और यह लिखा होगा 0.23 के ऊपर बार, इसी में लिखा होगा आपके पास 0.35 के ऊपर बार, इसी में क्वेश्चन बदला जा सकता है आपको ऐसा दे दिया जाए 0.4232 के ऊपर बार, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल एकदम इजीली इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप
सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए 0.23 बार लिखा हुआ और 3 के ऊपर बार लिखा हुआ। तो मैंने आपको बताया कि पहला काम आप हर में लिख लीजिए। मैंने बताया जितना अंकों के ऊपर बार लगा होगा उतना क्या आएगा, 9 आएगा, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा होगा उतना क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ तो 9 लिख लिए, और जिनके ऊपर एक अंक के ऊपर कुछ नहीं लगा मतलब बार नहीं लगा मतलब उतना क्या आ जाएगा, 0। तो हर में क्या आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। अगला काम क्या करना है, इस पूरी संख्या को आपको जैसा का जैसा है वैसी के वैसी लिख लेना है, ठीक। 23 को वैसी के वैसी लिख लिए, ठीक। नेक्स्ट लाइन जो बोल रहा हूं उसे ध्यान समझिए, जो बार में नहीं रहेगा, जो बार के अंदर नहीं रहेगा वह बाहर जाएगा, जो बार में नहीं रहेगा वो बाहर जाएगा, जो बार में नहीं रहेगा वो बाहर जाएगा। तो इसमें बार में कौन नहीं है, 2 नहीं है, तो उसे 23 से आप बाहर कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 21/90। क्लियर है क्या, जो बार में नहीं रहा उसे बाहर कर दिए, बस 21/90 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अभी मैं ऐसे 5-6 क्वेश्चन और बनवा दूंगा, बिल्कुल पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में बिल्कुल गलती आप नहीं करने वाले। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आपके पास 0.235 के ऊपर बार, ठीक। सबसे पहले आप क्या कीजिए, हर के बारे में लिख लीजिए, हर के बारे में। तो हर में आप बोलता है 1 और 2 कितना, 9 आ जाएगा, 2 बार 9 आ जाएगा, और किसके ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं, इसलिए क्या लगा देंगे यहां पर, 0। जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। जिसके ऊपर बार लगा है उतना अंक आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगला बताइए, फिर मैंने कहा था कि 235 पूरा का पूरा जो संख्या है उसे वैसी की वैसी लिख लीजिए, ठीक, पूरी की पूरी संख्या को आप वैसी लिख लीजिए। अगला नेक्स्ट लाइन मैंने कहा था कि जो बार में नहीं होगा, जो बार नहीं जाएगा वो बाहर हो जाएगा, जो बार नहीं जाएगा वो बाहर हो जाएगा, इस लाइन को याद रखिए। और जो बार में नहीं है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब 2 क्या हो जाएगा, बाहर, और 2 को क्या कर दीजिए, आप बाहर कर दीजिए, और 2 हो गया बाहर। तो 235-2 किए तो हमको आंसर मिल गया कितना, 233/990। ये आंसर हो गया आपका, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और मैं ऐसे ही बता दूंगा, बिल्कुल ध्यान से, आपके आपका ये क्वेश्चन कभी भी आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये आज की वीडियो में आप मान के चलिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। देखिए यहां पर अब बताइए 4232 कितने अंकों के ऊपर बार है, तो आप बोलेंगे सर 2 अंकों के ऊपर बार है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 9 लिख लेंगे। क्लियर है, 9 को 2 बार लिख लिए। अब कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो आप बोलेंगे सर 4 और 2 के ऊपर बार नहीं है, तो कितना 0 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहां पर 2 0 लगा देंगे, जो बार में नहीं है मतलब उतना 0 आ जाएगा, डन। अब ऊपर क्या करना है आपको, 4232 जैसा का जैसा दिया है लिख लीजिए। अब बाहर किसको करना है, जो बार में नहीं रहेगा उसे बाहर कर देंगे, जो बार में अंदर नहीं रहेगा उसे बाहर कर देंगे। तो बाहर कौन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 42 बाहर चला जाएगा, तो इसे बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा, 2-2 0, फिर उसके बाद 13-4 9 1 4 4190 4190/99 00 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को बिल्कुल ध्यान रखिए। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल आपको जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपको दिया रहेगा 0.123 के ऊपर बार, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है, इजीली एकदम बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहला काम हर में डिनोमिनेटर में आपको करना है, तो बताइए किसके ऊपर बार लगा, तो आप बोलेंगे सर एक अंक के ऊपर बार लगाओ, तो आप क्या करिए 1 9 लिख दीजिए। नेक्स्ट कितना 0 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 और 2 दिख रहा है, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो कितना 0 आएगा, 2 0 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट काम 1 2 3 को लिख लीजिए, फिर से 1 2 3 को फिर लिख लीजिए, और 1 2 3 में कौन बाहर जाएगा, जो बार में नहीं है वही बाहर जाएगा, तो बार में कौन नहीं है, 1 2 या 12 यहां पर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, इसे हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। बाहर करने का मतलब माइनस करना, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर 1 1
और वन, क्लियर है, 111/900, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से, अब जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप ट्राई कीजिए और इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसका जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन रहेगा 0.2356, क्लियर है, और यहां पर हमने लगा दिया बार, इसे आपको बदलना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और इसका जो आंसर है, आंसर है आप सभी छात्र कमेंट सेक्शन में देंगे, जितने भी छात्र आंसर देंगे उससे हम मुझे समझ में आएगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आप आसानी से क्वेश्चन बना पा रहे, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट जहां तक सभी छात्रों को समझ में आया होगा, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और कहीं पर भी किसी भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सीजी व्यापम के लिए जितने भी आपके टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी की तैयारी आपको यहां पर करवाई जाएंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।